हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को केबुल बनाने का सही तरीका सिखाने वाला हूँ, लेकिन उसका पहले आप लोगों को केबुल का पहचान होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो केबुल हो या वीडियो केबुल हो, केबुल का पहचान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरत है। इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ दे दूँगा, कैमरा के सेटिंग्स के बारे में दे दूँगा, वो भी आप लोग जाके देखिए। केबुल बनाने से पहले ये देखिए केबुल कैसा होता है। मैं आज आप लोगों को एक्सेलर मेल टू फीमेल केबुल बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को केबुल का ज़रूरत होगा। उसके अलावा आप लोगों को सोल्जरिंग आयरन, कटर, ये सब लेना होगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात है, ये देखिए ये जो कैमरा है, कैमरा में मैंने ये केबुल लगाया, ये देखिए, और इधर माइक में भी केबुल लगाया, ये देखिए। यही केबुल आप लोगों को आज मैं बना के दिखाने वाला हूँ। फिलहाल ये मैंने बना लिया है, आप लोगों को पहले उसको टेस्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये केबुल मैंने बनाया है, और बनाने के बाद ये टेस्ट करके आप लोगों को दिखाया, इसका ऑडियो सही से आ रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो चलिए केबुल बनाने का तरीका सीख लेते हैं, आप भी घर में बना सकते हैं। फिलहाल ये सोल्डरिंग आयरन मैंने ले लिया है, ये केबल बनाने के लिए उसका ज़रूरत होगा। तो आप लोगों को एक कनेक्टर खरीदने को मिल जाएगा, हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग बाज़ार से भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। ये है एक्सेलर फीमेल पॉइंट, और ये देखिए ये जो मैं भी काट रहा हूँ ये है एक्सेलर मेल पॉइंट, ये मेल फीमेल दो पॉइंट आप लोगों को चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, केबल लेना होगा। केबल को मैंने जैसे दिखाया ऐसे आप लोगों को केबल को काटना होगा। केबल काटने के बाद ये सही से ध्यान रखिए, उसका कोई भी टूट ना जाए, टूट ना जाए, आराम से उसको सेट कर लीजिए। मैंने जैसे दिखाया ऐसे आप लोग भी कीजिए। अभी इसको जो पीछे वाला पॉइंट है उसको पहले ठीक कर लेना होगा, मैंने जैसे लिखाया ऐसे आप लोग भी सही कीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, ये सही से कर लीजिए। उसके बाद ये जो केबल है उसको हम लोग अभी सोल्डरिंग करने वाला है, ये पॉइंट लगाने के बाद सोल्डरिंग करने वाला है। लेकिन सोल्डरिंग करने से पहले आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। इसका जो ये पॉइंट है उसमें नंबरिंग है, 1, 2, 3 करके इसमें नंबरिंग है, और उसका जो पॉइंट है ये देखिए 1, 2, 3 ये पॉइंट इसमें लिखा होता है। उसका पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ लगाना है, उसका आर्थिंग कहाँ लगाना है वो भी मैं
आप लोगों को सोल्डरिंग करके ही दिखाने वाला हूँ। पहले ये देखिए, ये मोटू मैंने ये पॉइंट पहले सोल्डरिंग कर लिया था, लेकिन इसमें आप लोगों को इसलिए वो सोल्डरिंग करके दिखाया क्योंकि उसका जो पॉइंट है इसमें 1 कहाँ लगाया, 2 कहाँ लगाया, 8 इंच कहाँ लगाया, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने 1 पे रेड लगाया, तो मेल पॉइंट में भी 1 में ही रेड लगाना होगा। 2 में व्हाइट लगाया, तो मेल पॉइंट में भी वो 2 में ही व्हाइट लगाना होगा। और जो 8 इंच है मैंने 3 नंबर पॉइंट में लगाया, आप लोग वो 3 नंबर पॉइंट में ही लगाना है। तो चलिए, मैं फिलहाल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सोल्डरिंग करने का सही तरीका। फ्रेंड्स, ये तो हो गया। आप लोगों को पहले मैंने वो टेस्ट करके भी दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। और ये जो केबल है उसको लगा के जो ऑडियो हम लोग लेते हैं, ऑडियो सेटिंग्स के लिए जो कैमरा का सेटिंग्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग उधर जाके आराम से देख सकते हैं।